क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी को सदर नशीन सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट को मैनेजिंग डायरेक्टर अवैसी हॉस्पिटल्स और डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से दरख्वास्त करता हूं कि इस मुकद्दस बारगाह में खिताब करने की सआदत हासिल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरनशीन पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, अहले बैत का सदका के आज इस दिन आप और हम यहाँ पर आज जो जमा है, अल्लाह ने हम सबसे बारगाह का काम लिया और इस काम के लिए जिन जिन हजरात ने अपना जो भी तआवुन किया, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनके इस तआवुन को, इनके इस खिदमत को कबूल फरमाए। और इस बारगाह के रेनोवेशन के लिए या तामीर के लिए सिलसिले में अगर किसी हमारे किसी भी इकदाम की वजह से कोई भी तकलीफ पहुंची है या कोई भी शिकायत है हमसे, तो उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आप हमें माफ करें। हमारा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना या किसी को तकलीफ देना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ यही था कि बारगाह के इस काम को जल्द अज जल्द तकमील करें और यहाँ पर आने वाले अकीदतमंद लोगों को तकलीफ न हो और जितनी भी उनको आराम पहुँचा सके वो आराम पहुँचा सके, यही हमारा मकसद था। और मैं ये समझता हूँ कि इस बारगाह इस तामीर में या रेनोवेशन में कई शख्सियतों ने अपना तआवुन किया, शायद मैं कुछ नाम भूल जाऊं तो उसके लिए भी पहले ही मौजरत खाही करता हूं, लेकिन ये ज़रूर कहूंगा कि बेशुमार लोगों ने अपना तआवुन पेश किया और इस तआवुन में बिलखुसूस हमारे अली भाई का बहुत बड़ा तआवुन रहा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अली भाई को सेहत अता फरमाए और अल्लाह इनके इस नेक काम को, खिदमत को कबूल फरमाए। उनके साथ अजीज अहमद साहब का भी बहुत बड़ा तआवुन रहा, दिलचस्पी रही, जिद्दोजहद रही। और फिर साबिक में जनाब अल्ताफ हैदर रजवी साहब का भी तआवुन रहा। मैं अपनी जानिब से और अगर आप तमाम की इजाज़त है तो उनका भी शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ।
साबिक एमएलसी साहब का, रियाजुल हसन अफंदी साहब एमएलसी साहब का भी इसमें बहुत बड़ा ताबुन रहा, दिलचस्पी रही, जिद्दोजहद रही कि काम जल्द अज जल्द पाए तकमील को पहुँचे। तो मैं अफंदी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ जितनी नक्श निगारी हुई है, काम हुआ है ये दरवाज़ों का, ये सारा हैदर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी अपना कीमती वक्त दिया और अल्लाह ने जिस हुनर से आपको नवाजा है, आपने इस बारगाह की को और अपने काम के ज़रिए एक और हुस्न बख्शा है। अल्लाह हर उन असाब का जिन्होंने इस बारगाह के रेनोवेशन में, तामीर में जो भी रोल अदा किया है, अल्लाह इसको कबूल करे। और मैं अपनी जानिब से ये बात ज़रूर कहूँगा कि मेरी जानिब से जो भी मुमकिन खिदमत है या ताउन है या काम है, आधी रात को ये आपका इतना खादिम आपके लिए है, आप कभी भी मुझसे और मेरी जमात से, जो आपकी भी जमात है, इससे काम ले सकते हैं। और अल कौसर ट्रस्ट का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी बहुत ताउन किया है इस काम की तकमील के लिए। हैदराबाद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे याद दिलवाया। बहुत बड़ी गलती हो जाती है अगर उनका जिक्र उनका नाम न लेता। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर से मैं कहूँगा अल्लाह का शुक्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अहले बैत के तुफैल में आज ये काम मुकम्मल हुआ और आप और हम इस तकरीब का हिस्सा बने हैं। अल्लाह आपकी हमारी सबकी मुसीबतों को दूर फरमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे ताबुन को कबूल फरमाए, हमारे फरमान को कबूल फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप तंदुरुस्त, आपके अफरादी खानदान तंदुरुस्त। गेट वेल क्लिनिक नूर खां बाजार, जहां माहिर डॉक्टर्स मरीजों का इलाज इंतहाई महारत से करते हैं। जदीद मशीनरी से आरास्ता डेंटल केयर, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ईएनटी के ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, डिजिटल एक्सरे जैसी सहूलियात भी मौजूद। जदीद तरीन मशीनों पर लेबोरेटरी टेस्ट किफायती दामों पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सर्विस भी मौजूद है। मुस्तैक अफराद के लिए हर महीना फ्री आई चेकअप कैंप्स भी मुनाकिद किए जाते हैं। और तो और, ब्लड डोनेशन कैंप्स, फ्री ऑर्थोपेडिक कैंप्स, फ्री डेंटल कैंप्स हर 3 महीने के वफे में किए जाते हैं। मजीद मालूमात के लिए गेट वेल क्लिनिक, हसनात अपार्टमेंट, नूरखा बाजार, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9000808 9110